राधे राधे, जय सियाराम। दोस्तों, मैं सूरज आपके अपने YouTube चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं, बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे मार्केट में आपको मिल रही है। तो चलो वीडियो की शुरुआत करें। उससे पहले स्क्रीन पे एक डिस्क्लेमर है, वहाँ आप देख सकते हैं। कंपनी की अगर नाम की बात करें तो कंपनी का नाम है पायल ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस कंपनी की शुरुआत 1987 में हुई थी। ये कंपनी करती क्या है और इसकी फाइनेंशियल्स क्या हैं, इसके बारे में हम वीडियो में विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे। अगर हम कंपनी के इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करें तो ₹941, और अगर करंट प्राइस देखें स्टॉक का तो ₹623। डेबिट की बात करें तो ₹557 करोड़ का कंपनी पर डेबिट है, और डेबिट टू इक्विटी की बात करें तो 0.77 है, जो बहुत ज़्यादा कंपनी के लिए चिंता की बात नहीं है। अगर कंपनी का पी देखें तो 9.4 और इंडस्ट्री पी देखें तो 54 का है। तो बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे कंपनी अवेलेबल है। आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयज और रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम बात करें तो 20 से ऊपर है, जो बहुत बढ़िया माना जाता है। मार्केट कैपिटल की अगर हम बात करें तो ₹1,350 करोड़, और अगर कंपनी के सेल्स की बात करें एक साल की तो ₹3,158 करोड़। तो सेल्स के मुकाबले इसका जो मार्केट कैपिटल है बहुत ही कम है, और जिस क्षेत्र में कंपनी काम करती है उस क्षेत्र में जो स्टॉक है उनको बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन मिलते हैं। तो कंपनी बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे अभी काम कर रही है। जब ये सभी की नज़र में आ जाएगी, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कंपनी में स्टॉक पिक करेंगे, तो ये आपको बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न कमा के दे सकती है। अगर हम बात करें इसके लॉन्ग टर्म चार्ट की, तो इसने लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पे एक डब्लू पैटर्न का चार्ट फॉर्म किया है, और स्टॉक मार्केट में आपने सुना भी होगा कि जो पैसा है वो डब्लू के नीचे ही है। तो इसने डब्लू फॉर्मेशन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया और उसका ब्रेकआउट भी दे दिया। ऑल टाइम हाई पे ये कंपनी का स्टॉक है वो अभी ट्रेडिंग कर रहा है। तो यहाँ से आपको अच्छा खासा पैसा ही कंपनी का स्टॉक आपको कमा के दे सकता है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के बिजनेस की, तो कंपनी इनिशियली डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और स्टोर तक आइटम की डिलीवरी करने का काम करती है, यानी एंड टू एंड सॉल्यूशन करती है। स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जो काम होता है वो सारा काम ये कंपनी करती है, और ग्लोबल लेवल पे इसकी प्रेजेंस है वो अवेलेबल है। ये जो कंपनी है मेंस, वुमेन और किड्स सभी के लिए है, क्लोथ्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है। कैटेगरी वाइज देखें तो नेट्स वुवन, डेनियम, आउटर वियर, एक्टिव वियर, एथलीजर्स, स्लिप वियर, लॉन्ज, चिल्ड्रन वियर और वर्क वियर। तो हर प्रकार के कपड़े हैं ये कंपनी बनाती है, बच्चों के लिए बनाती है, बड़ों के लिए भी बनाती है, और स्त्रियों के लिए भी कपड़े बनाती है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी की प्रेजेंस कहाँ कहाँ है और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है वह क्या क्या है। इस कंपनी की प्रेजेंस है वो 8 कंट्रीज में है, इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम, हांगकांग, स्पेन, यूके, यूएसए और इंडोनेशिया। 32,000 से ज़्यादा लोग इस कंपनी में काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ हैं। 75+ मिलियंस यूनिट एक साल के अंदर है वो प्रोड्यूस करती है। इसकी 19 प्रोडक्शन यूनिट्स हैं इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और वियतनाम के अंदर, और 4 हैं इसके डिजाइनिंग ऑफिसेज हैं जहाँ पे कपड़ों की डिजाइनिंग है, टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं, जो ट्रेंड में होता है उसके हिसाब से डिजाइन से ये इम्प्रूव करते रहते हैं, यूएसए, यूके, स्पेन एंड हांगकांग। रॉ मटेरियल के सोर्सेज ऑफिसेज हैं हांगकांग और चाइना में। ये जो कंपनी है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी काम करती है, और इसके डिजाइनिंग ऑफिसेज हैं, ये क्या करते हैं कि ये जो क्षेत्र है जिस क्षेत्र में कंपनी काम करती है वहाँ पे आपको अपडेट रहना पड़ता है नई नई डिजाइन से, तभी तो आपका जो आइटम्स है, जो प्रोडक्ट्स है वो बिकेंगे। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के फाइनेंशियल डाटा की, तो कंपनी का जो अगर सेल्स की अगर हम बात करें तो पिछले 5-6 साल का आप रिकॉर्ड निकाल के देख सकते हैं, कंटिन्यू कंपनी की सेल्स है वो इंक्रीज हो रही है, और उसी के साथ में कंपनी की जो मार्जिनस हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हैं और मार्जिनस है वो भी इंक्रीज हो रहे हैं, और मार्जिन अभी भी कोई ज़्यादा नहीं है, 9% के आसपास है। इस क्षेत्र में जो भी कंपनियां काम करती हैं उनके मार्जिन लगभग 18 से 20% के आसपास भी हैं। तो धीरे धीरे इस कंपनी के जो मार्जिन हैं अगर यहाँ से डबल होते हैं, तो अगर इसकी सेल्स भी अगर जहाँ है वहीं रहती है तो भी इसके जो प्रॉफिट है वो डबल हो जाएगा यहाँ से। और कंपनी अभी प्रेजेंट के अंदर बहुत सारा कैपेक्स कर चुकी है और आगे भविष्य में भी करेगी, तो आने वाले टाइम पे इसकी जो सेल्स है वो बहुत ही अच्छी आपको यहाँ से देखने को मिल सकती है, क्योंकि मैनेजमेंट है वो भी बहुत वेल एक्सपीरियंस, अच्छा खासा नॉलेज है, टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करता रहता है, टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, और जो जनरेशन है ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अभी, जो इसके चेयरमैन हैं उनके पास लगभग इस क्षेत्र के अंदर 63 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इसी फील्ड के अंदर, और अभी उनका जो बेटा है वो वाइस चेयरमैन और MD है कंपनी का, जिसके हम आगे बात करेंगे।
अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख लीजिए आप, कंटिन्यूस कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर पिछले साल की बात करें तो 153 करोड़ रुपए का इस कंपनी का नेट है जो प्रॉफिट इस कंपनी ने दर्ज किया है, और ईपीएस है वो भी लगातार इसकी कंपनी की बढ़ रही है। अगर हम बात करें इस कंपनी की बैलेंस शीट्स की, जो बहुत ही एक चीज़ होती है कि कंपनी में क्या चेंजेज हो रहे हैं और क्यों आपको इसमें पैसा लगाना चाहिए। शेयर कैपिटल है वो कंपनी का कॉन्स्टेंट है बिल्कुल, रिजर्व्स हैं कंपनी के वो इंक्रीज हो रहे हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कंपनी के रिजर्व्स की, तो रिजर्व्स कंपनी के हैं वो बढ़ रहे हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्च 18 के अंदर 373 करोड़ रुपए थे और ये बढ़ गए अभी रिजर्व्स है जो मार्च 2023 के अंदर 701 करोड़ रुपए हो गया। तो कंटिन्यू यहाँ कंपनी का रिजर्व्स है वो यहाँ पे बढ़ रहा है, वो आपको देख सकते हैं। कंपनी की जो बोरोविंग्स हैं, वो बोरोविंग्स जैसे ये कंपनी ने बहुत सा कैपेक्स किया पिछले कुछ सालों के अंदर, तो इसके जो 2022 के अंदर है वो कैपेक्स के कारण इसके बोरोविंग्स हैं जो डेबिट है वो इंक्रीज हो गया था, लेकिन पिछले साल और इस साल के आप बोरोविंग्स में देख सकते हैं 645 करोड़ रुपए पिछले साल बोरोविंग्स थी 2022 में मार्च में, और अगर हम मार्च 2023 की बात करें तो 558 करोड़ रुपए की बोरोविंग्स है। तो इन्होंने कंपनी धीरे धीरे अपना जो डेबिट है उसको कम कर रही है, और जो इस कंपनी के फिक्स असेट्स हैं वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। जिस कंपनी के फिक्स असेट्स हैं वो इंक्रीज होते हैं तो वो एक कंपनी के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ मानी जाती है। आप देख सकते हैं कंपनी के जो फिक्स असेट्स हैं वो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, और अभी अगर मार्च 2023 की अगर हम बात करें तो कंपनी के जो फिक्स असेट्स हैं वो 500 करोड़ रुपए पे पहुंच गए हैं वैल्यूएशन पे। कंपनी का इन्वेस्टमेंट है वो भी है 60 करोड़ रुपए का, वो भी धीरे धीरे कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, और अदर असेट्स हैं वो भी कंपनी के बढ़ रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं इस कंपनी की कैश फ्लो रीडिंग्स की, जो कंपनी काम तो कर रही है लेकिन अल्टीमेटली फाइनली वो कैश जनरेट नहीं कर पा रही अपनी बैलेंस शीट में ऑपरेशन से, तो उस कंपनी को वैल्यूएशन हैं वो कम मिलते हैं और नेट नेट है सरप्लस उसके बैलेंस शीट के अंदर पैसा नहीं आता है। तो जो कंपनी ऑपरेशन से पैसा है वो पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट करती है वो कंपनी बहुत बढ़िया मानी जाती है। तो आप इस कंपनी का पॉजिटिव कैश फ्लो देख सकते हैं। अगर हम ऑपरेशंस की बात करें तो इस कंपनी का ऑपरेशन से जो कैश फ्लो है वो लगातार बढ़ रहा है। अगर मार्च 2023 की बात करें तो 365 करोड़ रुपए इसने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से इसने कैश फ्लो जनरेट किया है, और नेट नेट कैश फ्लो की अगर हम बात करें तो अभी जो भी इसने 139 करोड़ रुपए का मार्च 2023 में रिकॉर्ड किया है वो अभी तक का इस कंपनी की हिस्ट्री में हाईएस्ट फ्री कैश फ्लो है, नेट कैश फ्लो है। तो ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के रेशो की, तो कंपनी के जो डेबिटर डेज हैं वो भी धीरे धीरे घट रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि कंपनी के पास में पैसा है वो जल्दी जल्दी आ रहा है। किसी को अगर उसने आइटम भेजा तो वो आइटम के जो पैसे हैं वो जल्दी जल्दी क्लाइंट्स हैं उनको पे कर रहे हैं। इन्वेंट्री डेज भी है वो कम हो रहे हैं, जो आइटम इनके जल्दी जल्दी मार्केट के अंदर सेल हो रहे हैं उसकी वजह से इनको पैसा है वो जल्दी जल्दी मिल रहा है। कैश कन्वर्जन साइकिल है इस कंपनी का वो भी है जो इसका अच्छा हो रहा है, सुधर रहा है। कैश कन्वर्जन साइकिल आप देख सकते हैं अभी 52 डेज है। अगर हम बात करें इसके इन्वेंटरी डेज की, तो पहले 131 था वो अभी 115 हो गया। डेबिटर डेज की बात करें तो 49 है, पहले था पिछले साल वो अभी घट करके 24 हो गया, तो बहुत ही अच्छा माना जाता है कंपनी के लिए। और अगर हम बात करें कंपनी के वर्किंग कैपिटल डेज की, तो पहले 85 डेज थे वो अभी घट करके 48 दिन हो गए, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी उसमें कम पड़ती है, तो कंपनी को अल्टीमेटली जो है इंटरेस्ट वर्किंग कैपिटल पे कम देना पड़ता है, तो उसके वजह से अल्टीमेटली फाइनली क्या होता है जो उसकी प्रॉफिट है जो मार्जिन से वो इम्प्रूव होते हैं और प्रॉफिट उस कंपनी का अच्छा धीरे धीरे अपने आप होने लग जाता है। अब अगर हम बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो प्रमोटर का शेयर होल्डिंग पैटर्न 66.58 है जो कंटिन्यूसली एकदम कांस्टेंट बना हुआ है। एफआईएस है वो 5% के आसपास इस कंपनी में अपना स्टेक रखते हैं, डीआईएस है वो 1.05 और पब्लिक के लिए है वो 27.32% का फ्लोटिंग शेयर्स अवेलेबल है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के फाइनली कंक्लूजन की, इस कंपनी ने 45% के सीएजीआर से पिछले 5 साल के अंदर प्रॉफिट की ग्रोथ है वो दिखाई है, तो बहुत ही बढ़िया मानी जाएगी, एक्सीलेंट मानी जाएगी। अगर हम बात करें डेबिटर डेज की, तो वो पहले 49 डेज थे वो घट करके 24 दिन हो गए, ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट वो भी कम होगी, पहले 85 डेज थी वो घट के 48 दिन होगी, ये कंपनी के लिए अच्छी चीज़ है। स्टॉक है बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे मार्केट में अवेलेबल है, 9 की पी पे, जहाँ पे इसी इंडस्ट्री के अंदर जो बाकी के प्लेयर हैं उनकी अगर पी देखोगे तो आप 90-100 के आसपास है, और अगर एवरेज पी देखें इंडस्ट्री का तो वो 54 है, तो
तो एवरेज पीसी भी बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे है। कंपनी वो धीरे धीरे अपना डेबिट है वो अभी रिड्यूस कर रही है, पिछले एक साल के अंदर डेबिट इंक्रीज इसलिए हुआ था, इसने दो तीन कैपेक्स किए थे कंपनी ने, उसके वजह से इस कंपनी के कैपेक्स की वजह से डेबिट है वो बढ़ गया था। अभी कंपनी धीरे धीरे अपना जो डेबिट है वो रिड्यूस कर रही है। कंपनी का जो मैनेजमेंट है बहुत ही वेल एक्सपीरियंसड है, चेयरमैन है वो लगभग 60 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस कंपनी में रखते हैं, इस फील्ड के अंदर रखते हैं। जो वाइस चेयरमैन है और जो अभी MD हैं बहुत ही वेल क्वालिफाइड, न्यू एज न्यू जनरेशन नॉलेज बहुत अच्छा है उनके पास में, टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा नॉलेज है, मिस्टर पुलकित सेठ जो मिस्टर दीपक कुमार सेठ के लड़के हैं और आने वाले टाइम पे यही कंपनी को संभालेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके काम भी आएगा। धन्यवाद।